हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? और आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। यहाँ पे मैं बर्तन धो रही हूँ और मेरा ये 2 या 3 दिन का मिलके मैंने बनाया वीडियो, क्योंकि मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था। थोड़ा बुखार वगैरह ऐसे आ गया तो सारे शरीर में दर्द वगैरह हो रहा था, तो काम जब नहीं हुआ तो थोड़ा सा दवाई वगैरह लेके खाई, तो उसके बाद ठीक हो गया। अभी शाम ऐसे हो रहे होंगे, मतलब पूरा दिन ऐसे ही हो गया लेटे लेटे, पर आपको पता है बच्चे घर में हो तो कितने लेटेंगे। बच्चों के लिए तो खाना ये सब बनाओगे ही बनाओ, खुद भूखे रह सकते हैं पर बच्चों के लिए थोड़ा रह सकते हैं। पर मैंने सोचा था ये बना देंगे, पर ये फिर गाड़ी लेके अपने काम पर चले गए और फिर घर में कोई भी नहीं था, तो आप लोग इसीलिए मुझे उठना पड़ा फिर दवाई लेके। उसके बाद में मतलब सुबह सुबह तक तो नहीं बनाया था, 12, 1 या 1:30 बज गया था फिर बनाया था। बच्चों को दूध और यही सब दे दिया था और कुछ भी नहीं किया था। फिर थोड़ा सा आराम हुआ, फिर मैं अपने काम में लग गई। थोड़ा फिर जब बुखार वगैरह आता है ना तो शरीर में सारे में दर्द होने लग जाता है, तो ये सब इसलिए मेरा काम लेट हो गया। पर कोई नहीं, अब धीरे धीरे कर लूँगी। तो फिर ये पर्दा वगैरह भी गंदी हो गई थी, ये भी मैंने ये कल ही धो दी थी पर लगाई नहीं तबीयत की वजह से इसलिए। और मैंने सोचा था ये थोड़ी सी मदद करवा देंगे अगर जा नहीं रहे, पर इन्होंने नहीं करवाई, ये चलेगा। थोड़ा वो उम्मीद करते हैं ना, तो उम्मीद वो टूट गई। थोड़ा सा बहुत कभी कभी दुखी हो जाती, तबीयत वगैरह ख़राब हो और उठाना जाए तब भी काम करो, क्योंकि हम रह सकते बच्चे नहीं रह सकते ना। और यहाँ पे ये गद्दे पे दाग देख रहे हैं, तो ये सोना ने इस पे चाय फिला दी थी तो फिर धोया, पर ये दाग नहीं गया, इसलिए तो आप लोग सोचे कि ऐसा ही है। तो चाय का दाग नहीं गया क्योंकि गरम गरम चाय वैसी होती है, तो इसलिए दाग बना ही रह गया। तो बेडशीट वगैरह सारी चेंज करनी पड़ी, एक काम मतलब जितना बच रही थी उतना बढ़ता गया काम, पर कोई नहीं, कर लिया धीरे धीरे आराम आराम से मैंने कर लिया। और आप कपड़े देख के समझ ही गए होंगे, 3 कपड़े पहनी हो तो 3 दिन का है मेरा ये ब्लॉग। बस वो मेरा सूट कलेक्शन गया था, वो जब तबीयत ठीक था उससे वो कई दिन पहले मैंने बना के रख लिया था, इसलिए अगर पास में कोई रहता हो तो थोड़ी सी मदद ले सकते हैं। जब हस्बैंड से और बच्चे इस लायक है नहीं, पति से उम्मीद होती है, वो क्या कहते हैं तो डिसपॉइंटेड कर दिया, तो इंग्लिश में ऐसा ही कुछ कहते हैं ना, तो कभी कभी तो थोड़ा बहुत रोना भी आ जाता है कि अपनी मम्मी अम्मी के घर हो तो कोई काम नहीं करना पड़ता है, लेटे रहो, पर यहाँ पे नहीं आराम कर सकते हैं। खुद नहीं खाओगे, बच्चे तो खाएंगे, पति तो खाएंगे ही खाएंगे, और मेरे हस्बैंड को खाना नहीं बनाना आता, चाय भी बनानी नहीं आती है, बस थोड़ा सा ये बच्चों को देख लेते हैं, यही हो जाता है। पर चलिए ये सब बातें ख़त्म करते, ये तो सब लगा ही रहता है। यहाँ पर मैंने बनाई है अरवी की सब्ज़ी, अरवी को पहले से उबाल लिया था और थोड़ा लहसुन की चटनी बनाई थी वो डाल दी है, और इसमें मैंने हरी मिर्ची को नमक डाल के कूट लिया था, मतलब बारीक सा पेस्ट बना लिया था और इसको डाल दिया। बहुत अच्छी से बनी थी ये, हम दोनों के लिए बना ली थी मैंने, क्योंकि अब सुबह तो बना नहीं तो शाम को ही हुआ है, पर बच्चे नहीं खा रहे थे तो बच्चों के लिए बनाऊँगी मैं मूली के परांठे। ये मेरी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है और थोड़ी सी भी है, और बच्चे कह रहे थे मम्मी मूली के परांठे बना दो, तो मैंने बोला चलिए ठीक है। तो आटा वगैरह मैंने गूंध के रख लिया है, बस मूली को घिस लेना है। 2 मूली है, मैंने इनको अच्छे से धो लिया है। मूली ये लेके आए थे, सब्जी ख़त्म हो गई थी तो लेके आए थे, तो मूली 1 किलो लेके आए थे, तो मुझे इससे की ना दो रेसिपी बनानी है, तो जल्दी जल्दी से मिलेंगी। बहुत अच्छी अच्छी सी न्यू सी रेसिपी है, कोशिश मैं हर बार यही करती हूँ कुछ अच्छा लेके आऊँ, कुछ हेल्पफुल लेके आऊँ जिससे आपकी मदद हो सके। हाँ, तो इसीलिए ऐसे नहीं मैं बातें करूं और ये सब कुछ मुझसे जितना भी मुझे आता है उतना सीखने को मिले। और देखिए अभी मैंने बर्तन धोए थे, पर अभी फिर से होगा क्योंकि मैंने थोड़ा सा होता है ना, तबीयत ठीक ना हो तो चाय वगैरह पी लो, तो ये है चाय पी ली थी और मैंने दर्द वगैरह की दवाई खा ली थी, तो फिर से वो बर्तन हो गए थे। तो ये देखिए मेरी मूली घिस गई है, दोनों मूली को घिस लूँगी और दो हो जाएंगी, और 2 या 3 हरी मिर्ची। हरी मिर्ची तीखी वाली नहीं है, आपके कमेंट आते हैं कि इतनी तीखी मिर्ची, तो तीखी वाली मिर्ची नहीं है ये,
इतना तीखा नहीं, क्योंकि बच्चे थोड़ा ना खा सकते, अगर बच्चे खाएंगे नहीं तो फिर मैं रोज़ रोज़ कैसे बनाऊंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, आटा मेरा गूंदा रखा है, मूली घिस लूँगी और सब कुछ तैयार करके मैंने रख लिया था। और यही होता है हर बार जब भी मेरी तबीयत वगैरह ख़राब होती है, किसी की भी हो, मम्मी पापा कितने याद आते हैं कि मम्मी पापा होते तो हमें ये सब नहीं करना पड़ता। मम्मी पापा का घर तो वही घर ही होता है, यहाँ पे तो कितने भी वो हो तब भी यहाँ काम करना ही पड़ेगा। तो जब मैं जब भी, वैसे तो इतनी जल्दी तबीयत ख़राब होती नहीं है, पर इस टाइम थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाती, पता नहीं क्यों थोड़ा हो जाता है। तो जब भी मुझे याद आती है अपनी मम्मी की, क्योंकि मम्मी के यहाँ तो कोई भी लड़की इतना थोड़ा सा भी सर में दर्द हो तो वो बस लेट जाती, सारा काम मम्मी करती हैं। मम्मी के राज में, मम्मी पापा के राज में तो आपको पता ही है, जो वहाँ मिलता है वो सुख कहीं नहीं मिलता। तो ये देखिए, मूली को जो भी एक्स्ट्रा पानी था वो मैंने निकाल लिया है और ये हटा दूंगी और ये थोड़ा सा साफ़ कर दूंगी, क्योंकि फैल गया है ना। तो सारा साफ़ करने के बाद चलिए सेकना स्टार्ट करते हैं। और इस तरीके से मैं मूली के परांठे बना रही हूँ, आप लोग भी बताना आप लोग बनाते हो क्या। और इसमें सारे के सारे मसाले डाल दूँगी, नमक, मिर्च, धनिया, गरम मसाला। और तवा आपने देख ही लिया, मैंने गैस चालू करके उस पर रख दिया है और मसाले सारे मिक्स कर लूँगी। और इनको थोड़ा सा जल्दी जल्दी बनाना होता है, क्योंकि मूली आपका पानी बहुत छोड़ती है, इसलिए। तो मैंने आटा ले लिया है और इनको फटाफट से बेलना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों को बहुत भूख लगी थी इसलिए। और फिर उनका टाइम भी हो जाता है ना पढ़ाई वगैरह का, तो इसलिए दिन छोटा होता है तो इतनी जल्दी हो नहीं पाता है। तो चलिए फटाफट से बेल लेते, और मैं यहाँ पे किस तरीके से बनाती हूँ, आप लोग बनाते हो तो मुझे बताना। मैं बनाती हूँ इस तरीके से, किसी किसी के फट जाते हैं मूली के परांठे, जल्दी से बेलने में नहीं आते क्योंकि मूली पानी छोड़ती है बहुत ज़्यादा, इसलिए। तो मैंने दो लोइयाँ ली थी, छोटी छोटी सी ली थी, और एक रोटी को बेल के रख दिया, आप देख सकते हैं प्लेट पर, और दूसरी रोटी बेल रही हूँ। अब क्या करेंगे देखते जाइए। अब पतली पतली सी बेल ली और अब सारा मसाला मिक्स कर लूँगी और अब इसको भरना स्टार्ट करूँगी, देखिए। और इतना मैंने इसलिए किया क्योंकि ये भी आएंगे, ये भी खाएंगे, भूखे थोड़ा रहेंगे। तो मैंने दो मूली का देखिए कितना सारा हो गया है, और वंशिका खड़ी है प्लेट लेके, क्योंकि उसको भूख लग रहा है ना, तो इसलिए। तो देखिए मैं इस तरीके से भर के और इसके ऊपर ये वाली रोटी जो मैंने पहले बेल के रखी इसको करके और थोड़े से चिपका के और इसके हल्के हाथों से बेलन इस पर चला दूँगी और बन गई। आपको ये मोटी लग रही होगी, पर आपको पता है पतली पतली सी लोइयाँ ली थी और मूली, तो इसलिए मोटी दिख रही है। तो इसी तरीके से मैं सारे बना लूँगी। अगर आपको भी मूली के परांठे बनाने में दिक्कत होती है तो ये आइडिया आप लोग ज़रूर अपनाना, बहुत आसानी से बन जाएगा। मुझे भी नहीं आता था, हमारे मकान में जो लोग रहते हैं ना वो बनाई थी दीदी, उनका देख के मैं बनाई, तो मैंने बोला आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो ऐसे मैं कई बार बनाई हूँ, तो ऐसा नहीं फर्स्ट टाइम बनाई हूँ, बहुत बार बनाई हूँ, पर आप लोगों के साथ मैंने बोला शेयर कर देती हूँ। तो देखिए इसी तरीके से मैं सेक के एक सेक के प्लेट में रख दे रही हूँ और दूसरा बेल ले रही हूँ। और मैंने रिफाइंड मंगाया था क्योंकि रिफाइंड ख़त्म हो गया था ना, इसलिए। तो देखिए सिक गया है, अच्छे से तेल लगा लूँगी इस पर और बच्चों को देती जाऊँगी खाने के लिए। ये देखिए बहुत अच्छे लग रहे थे, चाय के साथ खाइए, किसी के भी साथ खाइए, अच्छे लग रहे थे। ज़्यादा नहीं बनाए थे मैंने, क्योंकि हम लोग तो सब्ज़ी बना लिए, बस बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए। तो चलिए इनको देती जाती हूँ और बनाती जाती हूँ, जो भी जितने भी बनाने, बल्कि गरम गरम बहुत अच्छे लगते हैं ना, कोई परांठे वगैरह तो गरम गरम होना तभी अच्छे लगते हैं। तो देखिए इसी तरीके से मैं सब भर भर के हल्के हाथों से दबाना, बड़े ऐसे पूरी ताकत से नहीं तो मूली निकल जाएगी। और एक्स्ट्रा तेल है वो मैं उस पर रोटी पे रख के, देखिए कितना प्यारा सा सिक गया। चलिए इसे बच्चों को देखते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? और बस अभी बज गए हैं 12:30 बज गए, मैंने बोला चलिए आप लोगों से थोड़ी बहुत बात कर ले। कल मेरा ब्लॉग नहीं गया, थोड़ा सा तबीयत वगैरह ठीक नहीं था इसलिए नहीं गया था, पर अब ठीक है। यहाँ पे ये सब थोड़ा सा मेरे यहाँ पे दर्द वगैरह सूजन वगैरह आ गया था इसलिए, पर हो जाता कोई नहीं। और बताइए कैसे हैं कैसे नहीं, काम करके सारा फ्री हुई हूँ। फ्री होने के बाद सारा स्लिप वगैरह साफ़ कर दिया है और एकदम फ्री होके बैठी हूँ। और वंशिका का ऑनलाइन क्लासेस होता है तो वो मैंने ख़त्म कराया है, वो तो 10:30 से होता है तो वो ख़त्म करा दिया है और फ्री हो गई, मतलब अभी सब कुछ फ्री हूँ। बच्चे खेल रहे हैं और मैंने तकिया वगैरह थोड़ा छत पे डाले धूप लगने के लिए, बेडशीट और देखो कागज़,
सफाई करके हटोने उससे पहले वो कर देते हैं, पर कोई नहीं हो जाता है। और अब आ रहे नवरात्रे, नवरात्रे की मुझे सारी सफाई करनी है, सब कुछ करना है, हो जाएगा, धीरे धीरे करूँगी, हो जाए। पर चूहे पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, चूहे बहुत परेशान कर रहे हैं मुझे। और मैंने ना अपने लिए एक ना वो मंगाया है, आपको जल्दी दिखाऊंगी, मैं टाइम मिलेगा वैसे ही दिखाऊंगी। जैसे कभी थोड़ा सा होता है ना शाम को, जैसे अभी नवरात्रे आ रहे हैं तो सुबह नहाएंगे और शाम को पूजा के टाइम भी थोड़ा नहाते हैं, तो हल्का पूरा पहन लो। तो इसलिए पढ़ाई कर ली पक्का। शोना भी वंशिका ही कॉपी वॉपी लेके उसको पढ़ती रहती। हाँ तुम्हारी ठीक है, तो वही है। और थोड़ा सा हल्का पूरा ले पहन ले तो वो शर्ट टॉप होता है, टी शर्ट टॉप होता है ना, वो तो नहीं लिया है, मैक्सी टाइप का लिया है। पर मैं जल्दी दिखाऊंगी, एक खरीदा मेरे पास था नहीं, और आप बोलते हो शर्ट टी शर्ट पहनूँ, तो कोशिश करूँगी। पिंक कलर की कॉपी, ओके देखिए। और सोना की चोटी बनानी और सारा काम हो गया। थोड़ी सी देर जाके मैं लेटूँ, कचरे की गाड़ी आई है, कचरा मैंने फेंक दिया, मतलब सारा बोल दो रही हूँ, खत्म कर के तब भी कितना सो रहा है। चलिए ओके बाय, अगले ब्लॉग में मिले। थोड़ा सा मन नहीं होता है ना ऐसे, जब थोड़ा तबियत वगैरह ठीक नहीं हो तो, इसलिए। और देखो मेरे चेहरे पर अब भी हो रहा है, इतना नहीं है कहाँ। हाँ ठीक है ठीक है, चलिए ओके बाय। अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिए। अगले ब्लॉग में मिलेंगे अच्छी सी रेसिपी के साथ।